ओम ज्ञानतिमीरंद ज्ञानंजनशलाखया चक्षुर ये नस्म श्रीगुरव नम नमो कृष्ण कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाशातरिणे जय श्रीकृष्णचैतन्याप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर अद्वैतगदाधर श्रीवासदिगोरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे तो यहाँ पर हम वो विवरण सुन रहे हैं जहाँ चार कुमार वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन सातवें द्वार पर दो द्वार द्वारा जय और विजय उनके द्वारा रोक दिए गए हैं तो यहां पर उसका वर्णन करते हुए बताया है कि ये चार कुमार भगवान को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और जब अपनी उत्सुकता से वे भगवान के वैकुंठ धाम में दर्शन करना चाहते थे उसमें अवरोध पहुंचाया किसने अवरोध पहुंचाया भगवान के दो द्वारपालों ने जय और विजय प्रश्न उठ सकता है कि नहीं हो सकता है ये चार कुमार ये भगवान के वैकुंठ धाम में एंट्री के लिए प्रवेश के लिए इनमें योग्यताएं नहीं थी लेकिन इस श्लोक में बताया है वे पूर्ण रूप से योग्य थे वो भी हम देखेंगे इस श्लोक में बताया है ये योग्य थे उनके अंदर में योग्यताएं थी भगवान के दर्शन करने की अगला यहां पर बताया है जब उनको इस प्रकार से द्वार पर रोका गया ये चार कुमार क्रोधित हो गए तो कई बार हमारे मन में आता है हम लोग सोचते हैं कि नहीं साधु लोग उनके अंदर में क्रोध नहीं होता है मुक्त पुरुष वो क्रोधित नहीं होते हैं लेकिन यहां पर हम देखते हैं मुक्त होने के उपरांत भी पूर्ण रूप से इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष हैं ये चार कुमार लेकिन फिर भी इनके अंदर में क्रोध आया मतलब क्या है मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था का मतलब ये नहीं है कि अब कोई इंद्रियां काम नहीं करेंगी सारी इंद्रियां कर्म करती हैं मन के अंदर में क्रोध भी आता है लेकिन जब बद्ध अवस्था में क्रोध आता है और मुक्त अवस्था में क्रोध आता है दोनों में बहुत अंतर होता है यहां पर बताते हैं प्रभुपाद जी बताएंगे हम यही इस वर्णन को समझने का प्रयास करेंगे बद्ध अवस्था में जब हम क्रोधित होते हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति में जब बाधा पड़ती है तो हमें क्रोध आता है हम कुछ भोगना चाहते हैं उसके अंदर में कोई बाधा पड़ती है तो हमें क्रोध आता है लेकिन यहां पर चार कुमारों को भगवान की सेवा में जब वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे जब उसमें बाधा आई भगवान की भक्ति में बाधा आई तब उन्हें क्रोध आया तो क्रोध तो आता है लेकिन दोनों में अंतर है तो ये जो है वर्णन यहां पर बताया गया है इसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पे कहा है निषिध्यमान ताभ्याम मतलब भगवान के वैकुंठ धाम में जो दो द्वारपाल थे उनके द्वारा निषिमाना निषिध्यमाना मतलब रोका गया बाधा पहुंचाई गई अवरोध किया गया किनका इन चार कुमारों का किस समय में किया गया मिश्तसु अनिमिशेशु अनिमिशेश मतलब जब वैकुंठ धाम के वासी हम लोग इस भौतिक संसार में हमारी आंखें झपकती है ना हम लोग इस प्रकार से ब्लिंकिंग करते हैं लेकिन आध्यात्मिक संसार में इस प्रकार से आंखें झपकती नहीं है ब्लिंकिंग नहीं होती है इसलिए उनको कहते हैं वहां के जो वासी हैं उनको कहते हैं अनिमिशेषु देवता जो भगवान के वैकुंठ धाम के वासी हैं जब वो देख रहे थे इधर उधर देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि चार कुमार अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस समय में इन दो द्वारपालों ने इन चार कुमारों को निषिध्य माना अवरोध किया बाधा पहुंचाई उनको रोका गया आगे बताया है स्वहरतमा अरहतमा मतलब सर्व रूप से उपयुक्त व्यक्ति थे ऐसा नहीं था कि ये जो चार कुमार हैं कोई आम व्यक्ति थे ये वैकुंठ धाम में प्रवेश करना चाहते थे इसलिए उनको रोका गया अभी मंदिर में कोई हुच्चा पागल आता है तो हम उसको रोक सकते हैं अगर कोई योग्य व्यक्ति आता है जो उत्सुकता के साथ में भगवान के दर्शन करना चाहता है हम उसको कैसे रोक सकते हैं? जैसे एक बार जगन्नाथपुरी धाम में चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन कर रहे थे बड़ी उत्सुकता के साथ भगवान के दर्शन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु वहां पर एक खाम्ब है जैसे गरुड़ का खंबा बोलते हैं उस पर अपने हाथों को टिकाकर भगवान जो है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा उनके दर्शन में लीन थे तभी वहां पर एक वृद्ध औरत आई और बड़ी उत्सुकता के साथ अंदर जाना चाहती थी लेकिन उसको दर्शन नहीं मिल रहे थे क्योंकि बहुत वहां पर लोग थे भीड़ थी अपनी उत्सुकता के कारण चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे ये औरत चैतन्य महाप्रभु के कंधों के ऊपर चढ़ गई कंधों के ऊपर चढ़ करके भगवान के दर्शन करने लगी तो लोगों ने जब देखा कि औरत चैतन्य महाप्रभु के कंधों के ऊपर चढ़कर भगवान के दर्शन कर रही है उनको क्रोध आ गया तुरंत इस औरत को नीचे उतारा तुम ये क्या पाप कर रही हो एक सन्यासी के कंधों के ऊपर चढ़ रही हो लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको क्रोध आया उन्होंने कहा मूर्ख लोगों ये औरत जो है मेरे कंधों के ऊपर चढ़ करके क्या कर रही है ये भगवान के दर्शन कर रही है वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हे भगवान ये औरत कितनी भाग्यशाली है इसके अंदर में भगवान को दर्शन करने के लिए इतनी आतुरता है कि इसने ये भी नहीं देखा कि एक सन्यासी के कंधे के ऊपर चढ़ करके दर्शन कर रही है मतलब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बात नहीं है अगर ये सन्यासी के कंधों के ऊपर चढ़ के भी भगवान के दर्शन कर रही है ये योग्यता हमें देखना है तो ये जो चार कुमार थे उनके अंदर में ये योग्यता थी क्योंकि अत्यंत उत्सुकता के कारण वह भगवान के दर्शन करना चाहते थे और योग्य होने के बावजूद भी उसके उपरांत भी जब इनकी सेवा में बाधा डाली गई जब इनका अवरोध किया गया उनको रोका गया तब उनको क्रोध आया तो ये यहां पर बताया गया है सर्व सुअरहतमा मतलब पूर्ण रूप से ये चारों कुमार योग्य थे भगवान के दर्शन करने के लिए योग्य थे वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य थे फिर भी उनको रोका गया सर्व सुअर्हतमा ही अपि हरे प्रतिहार पाभ्याम लेकिन भगवान के किन्होंने रोका हरि प्रतिहार पाभ्याम भगवान हरि के दो द्वार पालों ने उनको रोक दिया इस प्रकार से रोके जाने के बाद क्या हुआ उ ये चार कुमार उन्होंने कुछ शब्द बोले उन्होंने कुछ वचन बोले वो आगे आएगा वो चार कुमार क्या वचन बोलेंगे आगे कहते हैं सुहृत्तमा दिदृक्षित भंगे ईशत इनको क्यों क्रोध आया क्रोध किस लिए आया क्योंकि सुहृत्तमा जो भगवान सब जीवों के सुहृत हैं सबसे गाढ़े मित्र हैं भगवान सुहृद मित्र जो भगवान है दिदृक्षत भंगे इन सुहृद भगवान के ये दर्शन करना चाहते थे अत्यंत उत्सुकता के कारण उसमें अवरोध पैदा किया इन दो द्वारपालों ने इसलिए ये चार कुमार क्रोधित हो गए और आगे बताया है कामा अनुजेना क्रोध यहां पे जो है काम का छोटा भाई बताया गया है मतलब क्या है जहां पर बड़ा भाई होता है वहां पे छोटा भाई आ जाता है ऑटोमेटिकली तो काम जो है बड़ा भाई है काम वासनाएं लस्ट तो जहां पर लस्ट है वहां पर ऑटोमेटिकली एंगर आ जाता है जब काम में बाधा पड़ती है तो जब बड़े भाई में रुकावट आती है तो छोटा भाई भी वहां पर आ जाता है वो कौन है क्रोध एंगर तो ये हम भौतिक संसार में देख सकते हैं जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं किसी चीज की कामना करते हैं वासना करते हैं तो क्या होता है उस इच्छाओं को उस इच्छाओं को पूरा करने में अगर कोई बाधा डालता है तो हमें क्रोध आ जाता है लेकिन आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं अगर लोग उसके अंदर में बाधा डालते हैं तो आपको क्रोध आ जाता है तो यहां पर यही बताया गया है इसी प्रकार से चार कुमारों की इच्छाओं में जब बाधा डाली गई उनकी इच्छा क्या थी भगवान के दर्शन करने की जब उनकी इच्छाओं में बाधा डाली गई तो काम का छोटा भाई क्रोध वहां पर आ गया तो उनको क्रोध आ गया सहसा अचानक उनको क्रोध आ गया और क्रोध के कारण क्या हुआ सहसा ते उपलुप्त अक्षा उनकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई यह भी हम लोग देखते हैं जब क्रोध आ जाता है तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती है। हमारी आंखें लाल दो समय में होती हैं जब ज्यादा बहुत ज्यादा नींद होती है तो भी आंखें लाल हो जाती हैं और जब हम अत्याधिक क्रोधित हो जाते हैं क्रोध आ जाता है तब भी हमारी आंखें लाल हो जाती है तो अनुवाद प्रभुपाद इस प्रकार से करते हैं इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते भी हरी के दो प्रमुख द्वार पालों द्वारा प्रेश, प्रवेश करने से रोक दिए गए तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने का देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ महत्वपूर्ण जो है वर्णन कर रहे हैं उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी बताते हैं वेदिक प्रणाली के अनुसार वेदिक सभ्यता के अनुसार सन्यासी जो होता है जो गेरवे वस्त्र धारण करता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है उसकी पोजीशन उसकी अवस्था पूरे वेद में वेदिक सभ्यता में सबसे उत्तम मानी जाती है क्यों क्योंकि इस अवस्था में सतन्यास उसने बाकी सभी कर्मों से संन्यास ले लिया है सतन्यास केवल सत के लिए बाकी सब चीजों से उसने सन्यास ले लिया है मतलब क्या है सन्यासी का मतलब क्या होता है केवल भगवान मात्र की संतुष्टि के लिए केवल भगवान मात्र की प्रशंसा के लिए उनकी महिमा का गान करने के लिए उनके लिए मात्र जो कार्य करता है वो सन्यासी है अब उसका कोई दूसरा कार्य नहीं है एकमात्र कार्य है केवल भगवान की सेवा वो सन्यासी कहलाता है इसलिए समाज में वेदिक सभ्यता में उसको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है लेकिन आजकल उल्टा हो गया है और वो भी क्यों हो गया है उसका भी कारण है क्योंकि इस प्रकार के सन्यासी का सबसे मुख्य कार्य क्या है सबसे मुख्य कार्य क्या है भगवान की सेवा भगवान का वर्णन लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना भगवान के बारे में समझाना भगवान की महिमाओं का गान करना लोगों को उसके बारे में बताना यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य सन्यासी का है लेकिन आज कलयुग में जो लोग सन्यासी वस्त्र धारण किए हुए हैं उनका सबसे मुख्य कार्य क्या है इंद्रिय तृप्ति अपना पेट भरना प्रभुपाद जी बताते हैं उनके समय में प्रभुपाद जी देखते थे बहुत सारे लोग सन्यासी का वेश भर के आते थे सन्यासी का वेश धर के आते थे पैसे मांगते थे भिक्षा मांगते थे बाद में जब भिक्षा का कार्यक्रम पूरा हो गया पैसे मिल गए पैंट शर्ट कोट पैंट पहन करके सिनेमा देखने जाते थे मतलब क्या है सन्यासी जो है उसने ये एक व्यवसाय बना लिया है अरे लोग इतना जो है अनेकों प्रकार से कठोर परिश्रम करके पैसे कमाते हैं इंद्रिय तृप्ति करते हैं ये तो आसान तरीका है लोग सोचने लग गए आसान तरीका है सन्यासी किसी के भी घर में गया अंदर घुस गया भिक्षा मांगी पैसे मांगे दे देगा क्योंकि लोग सोचते हैं अरे ये सन्यासी है इसने सब कुछ छोड़ दिया है तो मुझे जो है इसको कुछ प्रदान करना चाहिए तो इन सन, इन लोगों ने क्या कर लिया है इसको एक व्यवसाय बना लिया है पैसे लूटने का पैसे कमाने का एक बार एक जो है व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज पढ़ा था जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कौन सा व्यवसाय करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, कौन सा व्यवसाय सबसे बढ़िया प्रॉफिट देगा सबसे बढ़िया लाभ देगा तो उसमें बताया है हम लोग इस भौतिक संसार में डिग्री लेने के बाद में एम करते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद में हम सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं हमारी तनख्वाह कितनी होगी एक लाख महीने की तो बोलते हैं इसमें कुछ नहीं है इससे बढ़िया व्यवसाय है जब हम मैनेजर बनते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन इंजीनियर को भी जो है मैनेजर के अंडर में काम करना पड़ता है उसकी तनख्वाह कितनी होगी ढाई लाख तीन लाख रहेगी फिर आगे बताया कि लेकिन यह भी कोई बढ़िया व्यवसाय नहीं है अगर हम पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो हम लोग जो है दस करोड़ पंद्रह करोड़ बीस करोड़ का स्कैम कर सकते हैं और उसमें बड़ा पैसा अब जमा सकते हैं और आगे बताया है और अगर हम लोग सन्यासी बन गए घेर हुए कपड़े में उसके बाद में पॉलिटिशियन भी हमारे अंडर में तो उससे भी बड़ा स्कैम कर सकते हैं बड़े बड़े सन्यासियों के पास में ढाई सौ करोड़ हजार रुपए इतने बड़े बड़े स्कैम हम लोगों ने सुने हैं इतने करोड़ों के मालिक हैं मतलब क्या है ये कलयुग है सन्यासी का सबसे महत्वपूर्ण औधा पोजीशन भगवान के गुणगान भगवान की सेवा करने के लिए है लेकिन आज सन्यासियों के वस्त्र पहन करके एक व्यवसाय बना लिया है अन्यथा वेदिक सभ्यता में इसलिए आज हम लोग देखते हैं घर के अंदर में कोई सन्यासी आया है तो पहले बोलते हैं डिवेर ऑफ डॉग है कि क्योंकि लोग परेशान हैं वो देखते हैं कि एक्चुअली ये कुछ कंट्रीब्यूट तो करते नहीं है सोसाइटी में पैरासाइट है मतलब क्या है हम लोग कठोर परिश्रम कर रहे हैं ये कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं समाज के लिए केवल अपना पेट भरने के लिए भिकारी की तरह कम से कम भिकारी की तरह भीख मांगे तो दूसरी बात है यह सन्यासी के कपड़े पहन करके भिक्षा मांग रहा है अन्यथा वेदिक सभ्यता में प्रभुपाद जी बताते हैं उनके पास में खुला पासपोर्ट है उन्हें कहीं पर भी नहीं रोका जाना चाहिए सन्यासी की पोजीशन इस प्रकार की होती थी जिस प्रकार अगर आपके पास में वीजा और पासपोर्ट है आप कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं तो प्रभु यहां पर कह रहे हैं वेदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी गेरवी वस्त्र धारण किए रहता है वह गेरवी वेश उनका जो गेरुआ वस्त्र है वह पासपोर्ट है एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए पार पत्र पासपोर्ट होता है क्यों होता है क्यों लोगों को क्यों उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि उनका एकमात्र कार्य क्या है केवल लोगों को कृष्णा भावनामृत प्रदान करना जो लोग इस भौतिक संसार में दुखों से पीड़ित हैं उनके दुखों को हरने के लिए भगवान कृष्ण जो सुहृद है जो सभी के सबसे बढ़िया मित्र हैं अगर लोगों को सबसे बढ़िया मित्र से मिलवा दिया जाए उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम लोग कहते हैं ना क्या कहावत है इंग्लिश में फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड करेक्ट जो हमारे <coughs> अनेकों प्रकार के जब हम लोग दुख भोगते हैं जब हमें जरूरत होती है उस समय में जो हमारा दोस्त काम आता है वो मित्र कहलाता है लेकिन इस भौतिक संसार में दुखी अवस्था में प्रॉब्लम के टाइम में बढ़िया से बढ़िया मित्र भी हमारा साथ छोड़ देते हैं लेकिन भगवान इतना बड़ा सुहृद है हम कितने भी भौतिक संसार में भगवान को छोड़ करके आ गए हैं न केवल भगवान को छोड़ करके आ गए हैं हम लोग एक योनी से दूसरी योनि में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में लगे हैं लेकिन भगवान इतना सुहृद मृत हमारा मित्र है हमेशा हर एक जीवन में भगवान हमारे साथ में है सुहृदम सर्वभूता नाम भगवान कहते हैं सभी जीवों का मैं सबसे बढ़िया मित्र हूं <coughs> और भगवान कहां पर मौजूद हैं? सबके हृदय में भगवान मौजूद हैं। भगवान स्वयं आते हैं भगवान वेद पुराण देते हैं हम तो भगवान को भूल गए हैं लेकिन भगवान हमको नहीं भूले <coughs> हमको वापस स्मृति दिलाने के लिए भगवान ने वेद भी दिए हैं पुराण भी दिए हैं स्वयं आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान परित्रण आय साधुनाम विनाश च दुष्कृता संभवामी युगे युगे हरेक युग में भगवान कहते हैं मैं आता हूं साधुओं की रक्षा के लिए दुष्ट का विनाश करने के लिए भगवान स्वयं नहीं आते हैं भगवान स्वयं भी आते हैं भगवान अपने भक्तों को भी भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में न केवल उतना भगवान गुरु को भेजते हैं महान श्रेष्ठ गुरु जैसे मध्वाचार्य रामनजाचार्य शंकराचार्य श्रीला प्रभुपाद ये सब किस लिए आते हैं भगवान का पैगाम लेकर के आते हैं भगवान का संदेश लेकर के आते हैं कि भगवान हमारे सबसे बढ़िया सुहृद मित्र हैं इसलिए सन्यासी को कहीं पर भी नहीं रोका जाना चाहिए उसका सैफरन उसका जो गेरुआ वस्त्र है वो एक प्रकार का पासपोर्ट होता है और सन्यासी जब गृहस्थ के घर पे जाता था भिक्षा के रूप में भिक्षा तो एकमात्र बहाना था वो अपना संग इन गृहस्थ को देना चाहता था ताकि इस प्रकार के भगवान के भक्त का संग करके गृहस्थ जो अपने घर के जीवन में अंधकार में बैठा है वो भी चैरिटी करके धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत बन सके तो प्रभुपा जी ये बता रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग प्रभुपा जी यहां पर बता रहे हैं जो हमें समझना है मुक्त अवस्था में भी मुक्त अवस्था में भी सारी इंद्रिया और जितने भी हमारी भावनाएं हैं सारी भावनाएं रहती हैं जैसे यहां पर बताया गया है मुक्त अवस्था में हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ शून्य हो जाता है जीरो हो जाता है मौन हो जाता है ना हम लोग दुखी होंगे ना सुखी होंगे ना क्रोध आएगा कुछ नहीं होगा सब बिल्कुल बराबर हो जाता है नहीं ऐसा नहीं है जैसे हम देखते हैं भगवान की भक्ति में और यहां पर चार कुमार बताए गए हैं इससे पहले इनको बताया गया था ये चार कुमार क्या थे विदित आत्म तत्व विदित आत्म तत्व का मतलब जिन्हें पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार मिल चुका है जो पूर्ण रूप से इस भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं मुक्त होने के बावजूद भी उसके उपरांत भी हम देखते हैं उनको क्रोध आया इसी प्रकार से हम देखते हैं एक बार नारद मुनि जब विचरण कर रहे थे ये जो दामोदर लीला है यहां पर हम देखते हैं कुबेर के दो पुत्र हैं यहां पर जो मूर्तियां दिख रही हैं कुबेर के दो पुत्र हैं क्या नाम था उनका नलकुबेर और मणिग्रीवा ये दोनों देवता की पोजीशन में थे उस स्तर पर थे क्योंकि जिम्मेदार पोजीशन हो जिम्मेदार अगर हम एक जो उस स्तर पर हम लोग रहते हैं तो हमें सोच समझ के कार्य करना चाहिए बच्चा गलती करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े होकर जिम्मेदार होकर के हम लोग गलती करते हैं तो हमें सजा मिलेगी करेक्ट है ना इसी प्रकार से अत्यंत जिम्मेदार स्तर पर होने के बावजूद भी ये जो दो कुबेर के पुत्र थे ये नग्न होकर के पानी में स्नान कर रहे थे और स्त्रियों के साथ में इंद्र तृप्ति में मग्न थे तो जब नारद मुनि ने ऐसा देखा तो उन्हें क्रोध आया क्रोध में आकर के इन्होंने नारद मुनि के आने के पश्चात भी ऐसे संत महात्मा आने के पश्चात भी इन्होंने अपने शरीर को जो है ढका नहीं इसलिए नारद मुनि को क्रोध आया क्रोध आकर के नारद मुनि ने इनको शाप दिया कि तुम देवता की स्तर पर रहने के लायक नहीं हो तुम धरती पर जाकर के वृक्ष बन जाओ क्योंकि तुम नग्न खड़े रहना चाहते हो ठीक है सालों साल नग्न खड़े रहे हो तुम्हारी यही इच्छा है पेड़ जो है वस्त्र नहीं पहनता है नग्न खड़ा रहता है आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए नग्न खड़ा रहता है यह शाप दिया लेकिन उनके शाप में भी आशीर्वाद था उन्होंने कहा तुम पेड़ बनोगे लेकिन नंद बाबा के आंगन में पेड़ बनोगे यह आशीर्वाद था और स्वयं भगवान के द्वारा तुम्हें मुक्ति प्रदान होगी तो यही हम देखते हैं भगवान ओखल लेकर के जब ओखल से बंधे थे इन दो पेड़ों को मुक्ति प्रदान की भगवान ने दामोदर के रूप में तो मतलब क्या है नारद मुनि वैकुंठ धाम तक भी जाते हैं सब जगह विचरण करते हैं भगवान के महान भक्त हैं लेकिन क्रोध भी आता है अर्जुन ने भी क्रोध के द्वारा अर्जुन जो है बिना क्रोध के वो युद्ध नहीं करना चाहते थे भगवान उनको क्रोधित करते हैं युद्ध करो हनुमान ने क्रोध में आकर के पूरी लंका को जला दिया मतलब क्या है मुक्त अवस्था में भी इमोशंस हैं लेकिन वो जो है उसमें अंतर क्या होता है उस समय में जो भावनाएं जो इमोशंस होती हैं वो शुद्ध होती हैं हमारी इमोशंस हम लोग दुखी हो जाते हैं हम लोग क्रोधित हो जाते हैं वो कब होते हैं जब हमारी इंद्रिय तृप्तियों में बाधा पड़ती है अगर हमें कोई दुख देता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं कोई इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालता है हम क्रोधित हो जाते हैं मैं पैसे कमाना चाहता हूं कोई उसमें बाधा डालता है हम उसके वो हमारा दुश्मन बन जाता है लेकिन यहां पर हम देखते हैं चार कुमार क्रोधित कब हुए भगवान की सेवा करने में जब बाधा पड़ी हनुमान क्रोधित क्यों हुए क्योंकि रावण राक्षस जो है सीता माई को भगवान से अलग करना चाहता था नारद मुनि क्रोधित क्यों हुए जब उन्होंने देखा ये मूर्ख लोग अपने इस शरीर का देवताओं के शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं तब उन्हें क्रोध आया अर्जुन क्रोधित क्यों हुए जब उन्होंने देखा कि ये दुराचारी ये अनर्थ फैलाना चाहते हैं अधर्म को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए क्रोध में आकर के उन्होंने जो है महाभारत में भाग लिया उस युद्ध में भाग लिया और अंत में जो है धर्म की स्थापना की तो ये हमें जो है समझना है आज के श्लोक में यही बताया गया है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विदित विदितात्म तत्व मुक्त पुरुष होने के बावजूद भी उनको क्रोध आया और मतलब ये भावनाएं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद भी मुक्त अवस्था प्राप्त करने के बाद भी रहती हैं लेकिन अंतर केवल इतना रहता है वो शुद्ध भावनाएं होती हैं केवल भगवान की भक्ति के लिए वो भावनाएं होती हैं भौतिक संसार में यही भावनाएं यही क्रोध यही लोभ यही दुख हम लोग जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं इतना मात्र अंतर होता है इसके साथ में हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे भागवतम की जय जगत गुरु शीला प्रभु प्रभुपाद की जय